जिस तरह से भाजपा घिरी है, देश में भाजपा डेंट कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 साल का भविष्य क्या होगा भारत का, उस विजन पर व्याख्यान देने के लिए लंदन के में रहते हैं, लंदन बुलाया जाता है। देश की हुकूमत को ये बातें गलती है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, सवाल उठता है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले जब मैंने कहा कि 2017 में क्या प्राप्त हुआ, लीगल विंग ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां हैं वो कहीं से उपयुक्त नहीं है। आपने लीगल विंग के अनुशंसा को अवॉइड करते हुए आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाई थी। आज भी आप जितना रेड कर लो, प्राप्त कुछ नहीं होने हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चखनाचूर करने का मादा राजद कर रहा है। यही वो घर है, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार उधर से चलकर आए थे पैदल और यहाँ गए थे। क्या जब जब हमने कहा, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर डरी हुई है। किससे डर गई? डरी हुई है नेता प्रतिपक्ष की आभा से, डरी हुई है जाति आधारित जनगणना से, वो चाह की हार से, नीतीश कुमार से नजदीकी है, नजदीकी पड़ रही है, इस वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार जी से नजदीकियां का सवाल नहीं है, सवाल नीतीश कुमार जी से हम जाति आधारित जनगणना के सवाल पर मिले थे, देश के प्रधानमंत्री से ही मिले थे। लेकिन एजेंसियां अगर अपनी स्वायत्तता के अपने वचनों पर कायम नहीं रह करके सत्ता की ड्योढ़ी की अगर बन जाती है, वह मिसयूज होना शुरू होगी, तो स्वाभाविक तौर पर देश की एकता अखंडता खतरे में होगी। और मैं कहना चाहता हूँ आपको लग रहा है कि इसका फलाफल कुछ होगा, इसके दूरगामी संकेत होंगे। याद रखिए, पूरी बिहार के आवाम इस रेड को देख रही है। ये रेड नहीं है, ये प्रतिशोध की प्रकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की।